तो भाई साहब स्वागत है आप सभी का आज का हमारे इस प्यारे से गेम प्ले में। और आज की इस वाली गेम प्ले में लोग खेल रहे हैं रैंकेड मोड, और ये वाला मोड मेरे से गलती से लग गया, वरना आप लोग जानते होगे यार, या फिर नहीं जानते होगे। हाँ मेरे को पता आप लोग नहीं जानते कि मैं हमेशा शुरुआत जो है अपने पेट का गंदा मुंह दिखा के करता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पास हम लोग प्लेन से कूद दिए हैं, और कूदने के बाद हम लोग आ चुके हैं मेरी फेवरेट जगह फैक्ट्री। फैक्ट्री में आने के बहुत से फायदे हैं, जैसे आपका गेम प्ले बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है, आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। यार आप लोग बोल रहे होगे कि गेम प्ले कौन जल्दी खत्म करना चाहेगा, लेकिन मेरे जैसे जो लोग रहते हैं जल्दी खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पास एक बंदे को मारने के बाद मेरे को मिल चुकी है गन, जिससे मैंने दूसरे बंदे को भी मार दिया। और भाई साहब ये डेट फ्री फायर बंदे को वापस भेजेगा, मेरे को इस बात से दुखी नहीं है, खुशी है, क्योंकि ये मेरे भी आता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वो बंदे लौट कर फिर वापस आए, मेरे को वापस से किल मिलेगा। तो भाई यहाँ पास एक और बंदा गन लेकर आ गया नीचे से, वो क्या है अभी नया करेक्टर आया है ना, वो करेक्टर पहले मूर्ति का बन जाता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो गन लेता है, फिर वो मूर्ति इंसान बन जाता है। लॉजिक लॉजिक को मत देखो गाइस, लॉजिक को देखते हो तो आप फ्री फायर क्यों देखते हो, लॉजिक का दूसरा नाम ही फ्री फायर है। तो भाई साहब यहाँ पास आसमान से दो परिंदे गिर रहे हैं, जिनको मारने की मैं पूरी नाकाम कोशिश कर रहा हूं। नहीं मैं कोशिश तो बड़ी अच्छी कर रहा हूं, लेकिन ये गन ही खराब है, देखो लग ही नहीं जा रही, लग जा एक बार, लग जा दो बार, लग जा। तो भाई साहब इसी के साथ मेरी कोशिश जो है वो समाप्त होती है, बंदा नीचे उतर चुका है और एक दो बंदा और है जो और नीचे उतर चुका है। तो भाई साहब आज फ्री फायर की 3000वें गेम प्ले में साबित हो ही जाएगा, या तो वो या तो मैं, वरना मैं अगला गेम प्ले लगा लूंगा। तो भाई साहब यहाँ पास एक बंदे दूसरे बंदे को ऊपर से मार के नीचे आ चुका है, और मेरे गन में 3 ही गोलियां थी जो कि खत्म हो चुकी है। शॉट गन है मेरे पास, कुछ मत सोचना यार, इतने दूर से शॉट गन से मैं नहीं मार सकता। नहीं, मैं वो टोटल गेमिंग नहीं हूँ ना, वो टोटल गेमिंग मार लेते हैं, वो शॉट गन फेंक के ही मार देंगे भाई, वो बड़े आदमी भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो फैक्ट्री में तो दो चिमनी है ना सामने, उसको 2 से 3 भी कर सकते हैं। तो भाई साहब ये बंदे ने मेरी वाली गलती कर दी, बंदा दौड़ते हुए आ रहा था किल लेने, जैसे मैं किल देता हूँ ना वैसे वो भी दे रहा था। हमको ये गलतफहमी रहती है कि हम किल ले रहे हैं, नहीं भाई हम किल देते हैं। अब मैं फ्री फायर का ये रूल समझ चुका हूँ, तो अब मैं थोड़ा बजबुचा के खेलता हूँ, और भाई साहब आप मेरे साथ ना खेलो वही बेहतर है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेलता हूँ, आपको किल दूंगा ही नहीं, आपके सारे किल मैं चुरा लूंगा, इसलिए प्लीज केयरफुल फॉर मी, मतलब वेयर मी देयर मी। तो भाई साहब यहाँ पास ऊपर के बंदों को मैंने धोधा के लॉबी में सुखो दिया अच्छा खासा, अब ऊपर में कोई बंदा नहीं है, पूरा सफा चट है। तो मैं जल्दी से नीचे कूदता हूँ, लूट की तो जरूरत है नहीं, ऊपर में मेरे को लूट मिल गया है, तो मेरे को अब ऊपर था, ऊपर से थोड़ा नीचे आया, फिर मेरे को बहुत नीचे जाना है, मतलब कतई पताल में घुस जाना है मेरे को टमाटर। तो भाई साहब यहाँ पास मेरे को एक बंदा दिखा है जिसको मारने की मैंने नाकाम कोशिश की, वो बंदा बहुत अच्छा भाग रहा है, और ये नया करेक्टर है, इससे मेरे को पूछना है तेरे में ऐसे क्या खास बात है। तो भाई साहब आप में क्या खास बात है, तो भाई साहब मेरे को इससे ये पता चला कि इसको हेडशॉट खाना बहुत अच्छा आता है, तो इसमें यही खास बात है। तो मेरा तो यही कहना है कि यार ये सब कैरेक्टर मत लो यार, अरे डीजे आ लोग ये सब में खुश रहो, बट ये कैरेक्टर भी अच्छे हैं, सिर्फ कॉइन से खुल जाते हैं, मैं ये कैरेक्टर को ट्राई करूंगा कभी ना कभी। तो भाई साहब यहाँ पास मेरे को मिल चुके मेरे फेवरेट चीज स्नाइपर, जो मैंने ऑटो गन को छोड़ दिया अपने, ऑटो गन ऑटो ही है और स्नाइपर स्नाइपर है। तो भाई साहब यहाँ पास एक यात्री गन बहुत ही दूर से आ रहा है, और उसको उतारने की मैंने कोशिश की, लेकिन लगता है बंदा ग्लू बॉल लगा लिया। एक स्नाइपर का फीचर था पहले, अब वो शायद हट गया होगा, कार पार लगने वाला वो नहीं लगता, क्योंकि भाई अपने पास स्काइलर है और स्काइलर कुछ भी कर सकता है, थैंक टू स्काइलर, उसकी वजह से मेरे को एक किल मिल गया। भाई यहाँ पास तो एक बंदा और टपक गया, अबे ऐसे अचानक से मत मारा करो भाई। ओ तो भाई साहब देख सकते हो कितना मस्त सा हेडशॉट लगा है, मतलब नहीं जनरली गाइस ये तुक्के से बिल्कुल नहीं लगा है गाइस, मैंने जानबूझ के लगाया, मैं इसे और भी हेडशॉट लगा सकता हूँ, बस आप सब्सक्राइब करके तो देखो। मैं वो हेडशॉट जानबूझ के नहीं लगाता, क्योंकि मेरे घर पास के बच्चे भी खेलते हैं फ्री फायर, तो डर ना जाए इसलिए मैं थोड़ा हल्का गेम प्ले खेलता हूँ। तो यहाँ पास मैंने ले लिया है 1996 की एक गाड़ी, अब इस गाड़ी में हम लोग ढूंढेंगे बंदे, नहीं ड्रॉप ढूंढूंगा मैं ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप में मुझे मिलेगी AWM, और मेरे को AWM चलाना पसंद है, क्योंकि बंदों से जितनी दूरी रखूं उतनी अच्छी रहती है, तो मैं AWM लेके बंदों को दूर से मारता हूं। यहां तो मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बंदे इसमें नजर टिकाए बैठे ही रहते हैं। तो यहाँ पास एक बंदा है जो अपनी लंबड़गिन्नी में घूम रहा है, इस बंदे ने अभी तक बहुत बंदों को ठेका है, मेरे सामने भी एक बंदे को ठेसा यार उसने बड़ा गंदा। तो यहाँ पास ये कोशिश कर रहा है मेरे को ठेसने की, लेकिन मेरे को नहीं ठेस सकता यार, क्योंकि मेरी टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। और मैं यहाँ पास कोशिश कर रहा हूँ स्नाइपर के में इसको थोड़ा सा एम बैठाने का, लेकिन एम बैठ ही नहीं रहा। तो यहाँ पास मेरी कोशिश यही है कि इसके चक्कक पंचर कर सकूँ, लेकिन फ्री फायर में ऐसा कोई फीचर नहीं है, तो आग लगा दिया और ये बंदा यहीं पास फिनिश होते हुए। यार गाड़ी का घमंड ना किसी और को दिखाना, फ्री फायर में मेरा गाड़ी का घमंड मैं दिखा, मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके आ जाऊंगा वरना। तो भाई साहब यहाँ पास मैं लेने आया था AWM, लेकिन गरीना वालों ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी, इसमें तो AWM दिया नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए यार, किसी प्रो प्लेयर आदमी को जिससे हेडशॉट लगते हैं उसको AWM देने चाहिए। देखिए AWM बहुत काम की रहती है, पहले तो रोला भी एक चीज़ है गाइस AWM का। सो भाई साहब यहाँ पास मेरे को बहुत दूर से एक बंदा दिखा है जिसके हाथ में SKS है शायद, और उसको ये वो बहुत ही अच्छी चलानी आ रही है।
लेकिन भाई मेरी स्नाइपर थोड़ी सी अगर ऊपर हो गई तो कोई गन नहीं चला पाएगा। तो यहाँ पास मैं सबसे पहले अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा हूँ, क्योंकि फ्री फायर में ये मरने का मेरा बहुत चांसेस है कि मेरे पास हेल्थ नहीं रहते, इसलिए मैं बार बार हेल्थ ही कर रहा हूँ। भाई अब मैं सुधर गया हूँ यार, अब मैं बड़ा देख के खेलता हूँ। पहले मैं आँख बंद करके खेलता था, लेकिन अब देख के खेलता हूँ। सो भाई साहब, यहाँ पास एक बंदे ने मेरे ऊपर अटैक कर दी है और मैं ग्लू बॉल लगाए जा रहा हूँ, और वो बंदा देखो सामने में है, लेकिन इसको मैं मारूंगा स्नाइपर से, क्योंकि इतने दूर से मैं शॉटगन में नहीं मार पाऊंगा। कुछ अपने से सोचो यार, लॉजिक देखो। तो भाई साहब मन कर रहा बंदे को एक जगह फेविकिक से चिपका दूं, बंदा बहुत ही भागे जा रहा है और हेल्थ को बहुत कम करे जा रहा है। अरे ऐसे हेल्थ तक मत कम। तो भाई साहब बंदे ने ग्लू बॉल लगा दिया है, लेकिन मेरे पास सकाइलर है इसलिए मैंने तोड़ दिया और वो भाग। फ्री फायर के कुछ बंदे होते हैं जिनको मारने आए ना आए भागना बहुत अच्छा आता है, और इसी कारण वो जी। अरे कहाँ घुस गए भाई? अरे ऐसे घुस के नहीं मारते यार, अभी तो मैंने मार दिया, मर जाता वरना भी। और भाई क्या हिम्मत है हेडशॉट मारा है। तो इस बंदे के पास भी ग्लू बॉल है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पास हमारे पास हो चुके हैं टोटल 17 ग्लू बॉल, और इस ग्लू बॉल को मैं ले जाऊँगा लॉबी में और बेचूँगा। मेरे को इतने ग्लू बॉल की आदत नहीं है, इतने ग्लू बॉल पचते नहीं है मेरे से। भाई साहब फाइनली वो दूर वाला बंदा पास आ चुका है, और ये देखो झाड़ बन के घूम रहा है, और इसको भी मार दिया। और भाई साहब देखो, मैंने कहा था ना मैं जानबूझ के हेडशॉट लगा रहा हूँ, लग रहा है ना मेरे यार? यू आर रॉन्ग यार, आई एम वेरी वेरी हेडशॉट लगाइंग, माय नेम इज ऑलवेज हेडशॉट। तो भाई साहब यहाँ पास आ चुका है जोन, और एक ही बंदा बच्चा है, तो यहाँ पास अपने को कोई रिस्क लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने पूरे ग्लू बॉल को खर्च करता हुआ चलूंगा, देखूंगा कि ग्लू बॉल एक आग बचे ना। तो भाई साहब यहाँ पास फाइनली मेरे को एक बंदा दिख चुका है, लेकिन यहाँ पास हमको हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है, एकदम आराम से सांस लेके मारेंगे उसको। तो बंदा बहुत ही बेहद ही अच्छे तरीके से खेल रहा है, वो जाके घर मतलब पेड़ पास झाड़ पास छुप चुका है। लेकिन भाई मेरे पास है स्नाइपर, काश फ्री फायर में पेड़ टूटते वरना मैं सीधा बम गोला कर देता। ओ मेरे पास तो बम भी है गाइस, मेरे पास बम तो नहीं है लेकिन बम का जुड़वा भाई है, उसी को फेंक देता हूँ, दो है दोनों फेंक देता हूँ। उसको मेरे को घर नहीं ले जाना, मेरे को मेरे भाई ने सिखाया कि कोई चीज को घर नहीं ले जाया जाता, उसको वहीं फेंक फुका कर आया जाता है। तो यहाँ पास अभी मेरे पास 14 ग्लू बॉल बचा जो मेरे को चाप रहा है। तो यहाँ पास बंदे ने क्या हरा हरा कर दिया यार पूरा। फ्री फायर में लगता है हरियाली की बहुत कमी है, इसलिए हरा हरा भी कुछ बॉम्ब वॉम लाए। तो यहाँ पास ग्लू बॉल लगाते हुए मैं बढ़ रहा हूँ आगे, और ये क्या मेरा ग्लू बॉल तो कुछ हो रहा है। तो भाई साहब फाइनली मैं बंदे को बहुत ज़्यादा पास आ चुका हूँ, और यहाँ पास ग्लू बॉल उसके पास भी लगा दिया, लेकर आकर रख ले तू भी। और यहाँ पास मैं आ चुका हूँ घूम फिर आके यहाँ वहाँ, और भाई ये क्या बंदे ने तो हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, और हमने बहुत शानदार तरीके से बंदे को मार दिया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टाइम वो कम्प्लीट, आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी लगी होगी शेयर कर दो, और एक तो कमेंट कर दो। चैनल पे नए हो पता है मेरे को, नए हो डेफिनेटली नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। लेकिन यार मेरे को एक बात का दुख है, 9 ग्लू बॉल बच गए।